हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूं क्विक एंड इजी स्नैक रेसिपी या कह लीजिए एक स्टार्टर रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज नूडल्स जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इवन यंगस्टर को भी ये बहुत ही ज़्यादा भाता है। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने 2 पैकेट नूडल्स लिया था और जिसे मैंने बॉइलिंग वाटर में यानी काफ़ी अच्छा खासा गर्म पानी होना चाहिए उसमें हमें नूडल को डालना है और 1 मिनट के लिए मैंने बॉइलिंग वाटर में इसे बॉईल कर लिया था साथ में थोड़ा सा ऑयल डालकर। तो 1 मिनट के बाद मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी और इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी तो इस तरह से ये ओवर कुक नहीं होता और बहुत ही अच्छा बनता है। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करना है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं ऐड करूंगी फाइनली चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक यानी अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ और उसे सॉटे कर लेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। अब मैंने इसमें वेजिटेबल डाला है, फाइनली चॉप किया हुआ बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और साथ में मैंने अनियन डाला यानी प्याज। तो आप वेजिटेबल अपने पसंद का भी डाल सकते हैं, अगर कॉर्न पसंद है तो आप स्वीट कॉर्न भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हाई फ्लेम पर मैं 2 से 3 मिनट कुक करूंगी। तो इसे ओवर कुक नहीं करना है, क्रंची रखना है तभी इसका टेस्ट आता है। चाइनीज फूड स्पेशली उनका कोई भी वेजिटेबल क्रंची रहता है। तो 2 से 3 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर इसे कुक कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी टोमेटो सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपको ज़्यादा टोमेटो सॉस पसंद है तो इसमें 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पेस्ट, तो अराउंड 1/2 टेबलस्पून के बराबर मैंने रेड चिली पेस्ट ऐड किया है। आप चाहे तो ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम ऐड करना है। अब मैं इसमें डालूँगी विनेगर 1/4 टेबलस्पून के बराबर। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर सोया सॉस, तो सोया सॉस कम ही डालना है वरना बहुत ही ज़्यादा कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है और देखने में बिल्कुल भी टेम्पटिंग नहीं लगता है। और साथ में मैंने 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है और मिक्स्ड हर्ब ऐड करना है 1 टीस्पून के बराबर और इसे हाई फ्लेम पर ही हम 1 से 2 मिनट चला लेंगे। सॉल्ट ऐड करना है एज पर टेस्ट, तो ऑलरेडी टोमेटो सॉस में भी थोड़ा सा सॉल्ट रहता है। अब मैं इसमें डालूंगी बॉईल किया हुआ नूडल्स और इसे हाई फ्लेम पर ही हमें कुक करना है 1 से 2 मिनट चलाते हुए टॉस करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड कर लूँगी और इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम हम बंद कर देंगे तो हमारा वेज नूडल्स बनकर तैयार है, बच्चों के फेवरेट। तो फ्रेंड्स इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट अपलोड आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।